अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आई होप यू वुड बी फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ मेनी लेसन्स वी हैव कम्प्लीटेड? फाइव। नंबर फर्स्ट, ग्रीटिंग्स। नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव। ओके, एनी प्रॉब्लम इन दीज लेसन्स? नो। अब अहमद और जावेद ने हमारे सामने पांच मौजू पर गुफ्तगू की है, ठीक है ना। ग्रीटिंग की, फिर नाम पूछा, और उसके बाद मिजाज पूछा, फिर उसके बाद कौन हैं आप, फिर उसके बाद क्या हैं आप। तो आपको ये पांच लेसन्स में हमने पढ़ाया जो उनकी गुफ्तगू से अखज किया। अब वो अगली बात क्या करते हैं वो आज हम सीखते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। उसको सीखने के लिए मुझे आपको वर्ब के बारे में कुछ बताना पड़ेगा। आर यू रेडी टू लर्न? वर्ब बहुत आसान है, मुख्तसर अल्फाज में मैं आपको वर्ब समझाऊंगा, ठीक है। मिस्टर नईम रेडी हैं? अच्छा जी, वर्ब क्या होता है? वर्ब उर्दू में क्या कहते हैं? फेल, काम। मुख्तसर सी इसकी तारीफ मैं आपको बताता हूं। वो लफ्ज जो किसी काम का होना या करना, हरकत जाहिर करे, वो क्या कहलाता है? फेल कहलाता है। इंग्लिश में उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। मिस्टर, समझ में आई बात? वर्ब किसको कहते हैं? ऐसा क्या? ऐसा, ऐसा क्या? ऐसा लव्ज, ऐसा लव्ज जो किसी काम का होना या करना जाहिर करे वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है, फेल कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बताएगा कोई एक वर्ब, समझ में आई बात? लव्ज, देखो ना, कोई भी गुफ्तगू क्या होती है? अल्फाजों का मजमुआ होती है, जुमलों का मजमुआ होती है, और वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन वगैरह वगैरह, वो पूरी की पूरी अंग्रेजी की गुफ्तगू के जो भी अल्फाज हैं वो इन आठ नौ से रिलेटेड हैं। उनमें से हर लफ्ज का ताल्लुक इनमें से किसी एक ना एक से है, ठीक है भाई। तो उसमें से एक है वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? वो लफ्ज जो किसी काम का करना या होना जाहिर करे। मसलन, लफ्ज बताएं जो काम जाहिर करे। ईट, ईट लफ्ज, ईट। अच्छा जी, और बताएं जी? क्लिप, वेरी गुड। और बताएं जी? जाना, गो जी, ड्राइव जी, वर्क जी, रन जी, डस्ट जी, राइट जी, कम जी। लेकिन ऐसा लफ्ज जो काम जाहिर करे वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। क्लियर? अच्छा जी, इसकी तीन इकसाम हैं। इसकी कितनी इकसाम हैं? उनको फॉर्म्स कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ऐसे अल्फाज जो फेल हो, वर्ब हो, उनकी तीन फॉर्म्स हैं। लिखना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट, तो ईट की सेकंड फॉर्म क्या है? एट। थर्ड फॉर्म ईटन। स्लीप की? स्लैप। थर्ड फॉर्म गो की? ड्राइव की? ड्रॉव। ड्राइव इन। वर्क की? क्लियर है? तो आज का लेसन हमारा वर्ब, जो कि उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वर्ब अभी मुकम्मल नहीं हुआ, इसकी और इकसाम हैं, कई मामलात हैं, लेकिन फिलहाल जो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हमारी क्लास का ऐलान क्या है? अंग्रेजी आसान।
आसान नहीं, आसान तरीन, लिहाजा थोड़ा थोड़ा लेकिन आला। आला किस में? कि वो तुम्हारी फेयर कॉपी में अच्छा हो? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, आपके दिमाग में और आपकी ज़बान पे अच्छा हो, आप एक एक लेसन को बेहतरीन बोल सकें कि उस लेसन को बोलते हुए कोई आपको समझ ना सके कि अंग्रेज़ी आपकी ज़बान नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? दो तीन जो खामियां हैं बोलने में, उनसे परहेज करना है। नंबर वन, सवाल रिपीट नहीं करना सवाल पूछने वाले का। नंबर दो, सोचते हुए नहीं बोलना ओके, और आहिस्ता आवाज में नहीं बोलना, क्लियर और तेज आवाज, खामोश नहीं रहना, नहीं आता तो आई डोंट नो। ओके जी, कल मजीद अच्छी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। और सब्सक्राइब, क्या ख्याल है भाई, इतना तो हक है ना मेरा, तो कम से कम हर देखने वाला 10-10, 20-20 सब्सक्राइब तो कराएं, और हर वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ पूरा देखें, रोकें नहीं वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।